सारे भाई सीपीओ वाले ही हैं, तो हम इनसे पूछेंगे किसकी कितनी टाइमिंग आई है इंडिविजुअल। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई से, कितना टाइमिंग आई भाई आपकी? भाई मेरी 6 मिनट आई है। पिछली बार 6:23 आई थी, इस बार 23 सेकंड कम हुआ है। 6 मतलब देख कितना अंतर आ रहा है आपकी भाई। 6:28 आई है इस बार, पिछले बार 6:35 आई थी। अच्छा, काफी टाइमिंग कमी आ रही है। 7 मिनट। कृष्ण भाई आपकी कितनी आई? मेरी 7:23 है, अब आई है 6:33। आप सोचिए सीधे 1 मिनट का अंतर लगभग आया है इनके में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1600 मीटर की टाइमिंग का डे 4th है। आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर पहले भी देखा होगा तो मैंने अपने सारी रनिंग का वीडियो डाला हुआ है कि किस रनिंग में कितना मेरा टाइमिंग आई है, और मेरे जो साथ में अच्छे दौड़ते हैं जो मेरे दोस्त, उनकी सभी की कितनी टाइमिंग आई है साथियों। तो देखिए यहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली है, और अब आपको अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन सा चक्कर कितने टाइम में पूरा हुआ है। हालांकि आप देख पाएंगे कि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी थोड़ा सही नहीं है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था साथियों, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं था, और कहीं ना कहीं वीडियो को जूम करने में या फिर कैसे भी रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत हुई है। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि वीडियो की क्वालिटी और बेहतर रहे, और मैं किसी अच्छे बंदे से रिकॉर्डिंग कराऊंगा। लेकिन ये वीडियो पूरा देखिए, जितने भी मेरे भाई अगर CPO फिजिकल की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो साथियों, तो आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। दोस्तों देखो, हम लोग का जो वो रहता है, कोशिश रहती है, वो ये रहती है कि एक चक्कर जो है 1:20 में लाया जाए। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप एक चक्कर 1:20 में लाते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है साथियों। क्योंकि अगर आप जान रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो भी आपको दिक्कत होने वाली है, अगर आप बहुत ज़्यादा धीरे दौड़ेंगे तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर आप एक चक्कर 1:20 में दौड़ रहे हो, 1:20 में ले आ रहे हो, तो एक अच्छा टाइमिंग माना जाता है। उसके बाद आपको अगले प्रोसेस के लिए भी अच्छी टाइमिंग मिल जाती है, आगे के अपने मतलब कि जितने भी राउंड हैं उनके लिए आपकी अच्छी खासी टाइमिंग लगेगी अगर आप एक चक्कर 1:20 में ले जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, ये देखें हम लोग का पहली चक्कर जो है 1:20 में क्रॉस हुआ है साथियों। तो 1:20 में अगर आप एक चक्कर मार रहे हो तो 110% आपका नेक्स्ट जो चक्कर है उसमें 1-2 सेकंड अगर कम से कम अगर बढ़ेगा तो 1-2 सेकंड का तो अंतर आना है साथियों। तो अभी हम लोग के दूसरा चक्कर स्टार्ट हो चुका है साथियों, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छी टाइमिंग मानी जाती है। अगर पिछला वीडियो जो मैंने डाला था रेस का अपने साथियों, अगर आपने उसको देखा होगा तो उसमें भी हम लोग की जो टाइमिंग आई थी पहले चक्कर की, वो 1:12 थी। तो अगर आप अभी टाइमिंग देखेंगे इस वाले वीडियो में लास्ट में हम लोग की, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर भी देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि पिछली बार जो हम लोग का जो पहला चक्कर गया था 1:12 में गया था, जबकि इस बार अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो पहला चक्कर गया है वो 1:20 में गया है। तो थोड़ा तो अगर पहले चक्कर में अंतर आया है तो कहीं ना कहीं आगे वाले चक्कर में भी इसका असर पड़ेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप जैसे अगर आपकी फिजिकल बहुत बेहतर नहीं है तो आप यही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, पहला चक्कर 1:20 में जाए। अगर आप 1:20 से पहला ले जा रहे हैं तो दूसरा चक्कर आप 1:25 में जाएगा ही जाएगा, 1:30 में जाएगा ही जाएगा, बढ़ जाता ही है। लेकिन दोस्तों हम लोग ने जो कोशिश किया कि हम लोग का दूसरा चक्कर भी 1:20 में ही जाए, और आप अभी अगर देखेंगे तो हम लोग का दूसरा चक्कर 2:40 में, सुनिए आप, तो आप लोगों ने सुना होगा कि दूसरा चक्कर 2:40 में हम लोग का हुआ है। तो हम लोगों ने अपनी स्पीड जो है मेंटेन करके रखी, क्योंकि हम लोग को पता था कि पहला चक्कर अगर हम 1:20 में गए हैं तो दूसरा कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही, इसलिए हम थोड़े खींच के दूसरा चक्कर दौड़े और दूसरा 2:40 में गया हम लोग का साथियों। अब तीसरा चक्कर आप जान रहे हैं कि साथियों, जब आप दूसरा चक्कर दौड़ने लगते हैं तो जो 800 मीटर जहां पूरा होता है, यानी कि 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक, यानी 600 मीटर जहां से स्टार्ट होता है और 1200 मीटर जहां ख़त्म होता है साथियों, ये बहुत क्रूशियल मोमेंट होता है। ज़्यादातर बच्चे यहीं टूट जाते हैं दोस्तों। अगर इसी को आप संभाल ले गए समझिए आपकी रेस निकल चुकी है, क्योंकि ये जो 600 मीटर जहाँ से शुरू होता है 1200 मीटर जहाँ ख़त्म होता है साथियों, इसमें हमारा मन बहुत करता है कि हम रुक जाएं, मन टूटने लगता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब सांस फूलने लगती है, पैर भरने लगता है, सब कुछ होने लगता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, हम लोग एकदम थोड़ा यहाँ पे हम लोग भी लेजीनेस फील कर रहे थे, स्पीड थोड़ी कम हो गई थी साथियों, लेकिन हम लोगों ने फिर भी खुद को खींच के रखा। क्योंकि जैसे ही ये 3 चक्कर पूरा होगा साथियों, फिर एक मोरल इन्हेंस हो जाता है कि अब तो बस 1 ही चक्कर बचा है, अब खींच के मारो कैसे भी करके, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपका फिजिकल उतना बेहतर नहीं है तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहला 1:20 जाएगा तो दूसरा अगर 1:25 भी चला गया, अगर दूसरा 1:25 चला गया तो तीसरे में अगर आप 1:35 भी चले गए तब भी आपको चौथे चक्कर के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कहीं ना कहीं साथियों। तो ये तीसरा राउंड हम लोग का कंप्लीट होने वाला है, आप लोग को सुनने को मिलेगी टाइमिंग। तीसरा राउंड साथियों हमारा 4:20 में हुआ था, आप लोग अभी टाइमिंग सुनिएगा इसके। तो साथियों
तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है, अब बस लास्ट राउंड की तैयारी है। और लास्ट राउंड के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचे थे, लगभग 2 मिनट के करीब हमारे पास जो है बचे थे लास्ट चक्कर के लिए। लेकिन साथियों लास्ट चक्कर में हमने थोड़ा और दम भरा, क्योंकि लास्ट चक्कर यार बस लास्ट ही है, अब इसी में चाहे या फिर कर डालो या फिर मर जाओ या फिर करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है लास्ट वाले चक्कर में। तो इसमें खींचा हमने और लास्ट वाले चक्कर में काफ़ी दम भरा। आप देख भी रहे होंगे थोड़ा सा जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है हम लोग की, और बस हम लोग की यही कोशिश थी कि कैसे भी करके 6 मिनट के अंदर अंदर आना है, क्योंकि अगर आप 6 मिनट के अंदर आते हैं साथियों बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। 6 मिनट के अंदर अगर आप आ गए तो समझिए जो मोरल है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन और एक कॉन्फिडेंस भी बनने लगता है कि हमारा जो है रेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें एसएससी सीपीओ की, इसमें दो ही इवेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है 1600 मीटर रनिंग, दूसरा होता है हाई जंप। 1600 मीटर रनिंग दोस्तों ऐसा इवेंट है जिसमें ज़्यादातर बच्चे वहीं आउट हो जाते हैं, बाकी हाई जंप में जो बच्चे कुछ होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 300 की भीड़ देखेंगे उसमें से 50 बच्चे फाइनल सेलेक्ट हो पाते हैं फिजिकल में साथियों। तो ये हम लोग का चारों चक्कर पूरा हो चुका है। ये पहला भाई जो आया था उसकी टाइमिंग देखिएगा, छः तैंतीस। नमस्कार साथियों, एसएससी सीपीओ की जो टाइमिंग रनिंग की लगती है आज उसका हम लोग का चौथा दिन था। सारे भाई सीपीओ वाले ही हैं तो हम इनसे पूछेंगे किसकी कितनी टाइमिंग आई है इंडिविजुअल। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई से, कितना टाइमिंग आई भाई आपकी? भाई मेरी 6 मिनट आई है। पिछली बार 6:23 आई थी, इस बार 23 सेकंड कम हुआ है। 6 मतलब देख कितना अंतर आ रहा है आपकी भाई? 6:28 आई है इस बार, पिछले बार 6:35 आई थी। अच्छा काफ़ी टाइमिंग कमी आ रही है। 7 मिनट भाई आपकी कितनी आई? मेरी 7:23 अब आई है 6:33। आप सोचिए सीधे 1 मिनट का अंतर लगभग आया है। उम्मीद छोड़ चुका था भाई, उम्मीद तो मैं छोड़ा कोई भी है ना, लेकिन सर और भैया के गाइडेंस में बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आपकी 7 मिनट आई थी पहली बार। अच्छा अभी 7 मिनट पहले आपकी टाइमिंग है, 7 मिनट आई है, बहुत अच्छा है भाई। आपकी भाई 6:10 आई थी पिछली बार, इस बार 6 मिनट आई। देखो 10 सेकंड का अंतर आया है आपके में। मेरा 5:38 लगा। 5:38 बहुत सबसे बेस्ट टाइमिंग मिली है ग्रुप में है ना। पिछली बार इसकी पहली बार जी, ये पहली बार। अच्छा फर्स्ट टाइमिंग 5:38 भाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया आपको भाई। 7 पिछली बार। अच्छा फर्स्ट टाइमिंग है 7। तो अभी डेट भी लगभग 1 महीने का टाइम बचा भी है तो आ जाएगी आपकी भैया। 5:44 आई और पिछली बार 5:38 थी। 5:38 मतलब इस बार थोड़ी टाइमिंग बढ़ी क्योंकि स्पीड थोड़ा कम था और थोड़ा पेट भी खराब था। पेट मैं अपनी बात करूँ, पिछली बार मेरी 5:40 थी, इस बार 5:47 आई है। ये तो कोच भैया ही हैं, इनको जानते ही हैं आप। आप लोगों को प्यार है बस। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना सीपीओ वालों में? इम्प्रूवमेंट हो रहा है और एसकेएन फिजिकल कंपनी प्रयागराज का सबसे बेस्ट और फिजिकल सेंटर बन चुका है, चूँकि यहाँ दिल्ली पुलिस लीजिए और सारे रिजल्ट लिए, सब में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहता है। पता नहीं क्या होता है इस ग्रुप में आने के बाद, लोगों को हौसला अफजाई होता है, लगता है कि अंदर से कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई है। चलिए।